आज दिनांक 7 मार्च 2024 को दो सातिर गैंगस्टर सिराज अहमद खान और उसके पुत्र फराज अहमद खान की लगभग 33 करोड़ की अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई संपत्ति कुर्की गई है। दो फरवरी 2024 को चार लोगों ने मिलकर इतिहरे हत्याकांड को मलिहाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत अंजाम दिया था, जिसमें मुख्य अभियुक्त सिराज अहमद खान है और दूसरे अभियुक्त फराज अहमद खान है, तीन अन्य अभियुक्त इसमें सम्मिलित हैं। ये इतना शातिर और इसका इतना ज्यादा आतंक था क्षेत्र में कि कोई इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने को तैयार नहीं होता था। हत्याकांड के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, इनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया और ये गैंग बनाकर अवैध संपत्तियां अर्जित कर रहे थे, धनार्जन कर रहे थे, इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को आज 7 मार्च 2024 को माननीय न्यायालय ने सरकार के पक्ष में कुर्क करने का आदेश पारित किया है, जिसे बाकायदा बाजाब्ता सरकार के पक्ष में कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है।